उज्जैन पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष की पूर्ववर्ती सरकार पर खूब निशाना साधा। मंत्री ने कहा, 70 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद जिन्होंने राज किया, उन्होंने किसानों के लिए सही रणनीति तैयार नहीं की। किसानों के लिए उज्जैन पहुंचे कृषि मंत्री पटेल ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर बरसे। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने 70 वर्ष से ज्यादा तक राज किया और किसानों के नाम पर राजनीति की है, कोई भी कार्य सही से योजना नहीं बनाई और सही तरीके से किसानों को लाभ नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से खेती लाभ का धंधा नहीं बन सकी। अब जब भाजपा सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए काम कर रही है तो यह किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भगवान महाकाल के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको प्रणाम। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने और भारत सरकार ने एक संकल्प लिया है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएं और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आजादी के 73 साल हो गए, गांव गरीब और किसान आत्मनिर्भर होना था नहीं हो नहीं पाए। महात्मा गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन जिन लोगों ने गांधी जी के नाम पर 55 साल राज किया, उन्होंने गरीबों के लिए, गांव के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उनको लुटवाने के लिए ऐसे नियम बनाए जो मुट्ठी भर लोग आए अरबपति खरबपति हो गए। और जो मेहनत करता है किसान, खून पसीना बहाता खेती करता है, दिन में रात में ठंड में बारिश में गर्मी में करंट उसको लगता है, सांप बिच्छू गोबरा का खतरा उसको रहता है, लेकिन वो घाटे की खेती कर रहा है। और इसलिए मोदी ने एक लक्ष्य तय किया है कि 2022 तक हम देश के किसानों की आय दोगुना करेंगे। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो कृषि में जो कमियां थी कानून, किसान को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, और वही जब व्यापारियों के पास आ जाता है, उद्योगपतियों के पास आ जाता है, बिचौलियों के पास आ जाता है, वो कमाते हैं। अब जो मेहनत करेगा वो उसका हकदार होगा, उसको मजबूत बनाएंगे, उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे। में संशोधन किया गया 17 सितंबर को लोन कलेक्टर गाइडलाइन से उसको प्रमाण पत्र देंगे ताकि वो भी लोन ले सके, लिमिट ले सके। और वो खेती करने के लिए घाटे की मजबूर क्यों किया जाता है, वो भी उद्योग लगा सके करेगा और उद्योग भी लगाएगा और उद्योगपति बनेगा। अभी तक शहर के कुछ मुट्ठी भर लोग उद्योगपति बने थे, अब देश के करोड़ों किसान उद्योगपति बनेंगे। उदाहरण देता हूं, मैं आलू पैदा करता हूं, 4 रुपए किलो मिलता है और वही 40 रुपए में निर्यात होता है, और मैं फैक्ट्री से मन के आता तो 300 रुपए में मेरे बेटे के लिए मैं चिप्स खरीदता हूँ 300 रुपए किलो। तो कमाता कौन है, बिचौलिया और उद्योगपति। अब मैं गांव का किसान हूं, मैं कुशल उत्पादक समूह बनाऊंगा, हम किसानों के समूह बना रहे हैं और समूह बनाकर वेयर हाउस कोल्ड स्टोर फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालेंगे, सब्सिडी 40% 50% 35% जो शहर के लोगों को मिलती थी वो गांव के लोगों को मिलेगी, किसानों को मिलेगी। और किसान सीधा उत्पाद करके MRP अपनी तय करके बेचेगा। अभी तो वो भटकता कि समर्थन मूल्य पे ले लो, कोई लेने वाला नहीं है, और इसलिए खुद उत्पादन करेगा। गेहूं पैदा करेगा तो मैदा मिल भी डालेगा, चना पैदा करेगा तो दाल मिल बेसन मिल भी डालेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।